आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन अब आज का दिन यानी 14 अगस्त का दिन भी अब आपको हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि अब 14 अगस्त को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अब इस 14 अगस्त के दिन को भी, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बंटवारा हुआ था, तो अब इस दिन को भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यादगार बनाएंगे और इस दिन हम लोग इस बंटवारे के जो दुख है उसको याद करेंगे, जिस वक्त कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ऐसे में 14 अगस्त के दिन को अब से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर अब याद रखा जाएगा, और हर साल इसे भी लोग याद करेंगे और मनाएंगे। और इसकी जो जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के जरिए दी, तो आइए नजर डालते हैं उनके शेयर किए हुए ट्वीट्स पर। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश के बंटवारे को दुख कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी दिन हुई हिंसा के वजह से कई लाखों भाइयों और बहनों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस नफरत के वजह से कई लोग जो है एक दूसरे से बिछड़ गए थे। ऐसे में अब इस दिवस को जो है, इस 14 अगस्त के दिन को जो है, अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर जो है हर साल मनाया जाएगा, ताकि लोगों को ये दिन भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के तौर से जो है तरह ही याद रहे कि 14 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, इस दिन इसलिए मनाया जाएगा ताकि इस दिन जो लोग दिल में नफरत है या फिर जो गलत चीज़ें हैं उसे हम भुलाकर एकता, सामाजिक चीज़ें और मानवता का संचार करेंगे, और इसी दिन जो है जितने भी कटुता हमारे अंदर है एक दूसरे को लेकर उसे खत्म करेंगे और एकता का प्रतीक बनाएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब 15 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त का दिन भी अब लोगों के लिए यादगार रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए भी इसे भी एक दिवस के तौर पर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, बंगाल, पंजाब और बिहार में कई जगह जो है सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली थी, जिसमें 2 से लेकर 10 लाख तक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, और ऐसे में इस दिन जो है महात्मा गांधी भी अनशन पर बैठे हुए थे ताकि इस हिंसा को ख़त्म किया जा सके। और ऐसे में जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें भी महात्मा गांधी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख था किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के चक्कर में कई जो मासूम है वो पिस गए, और इसी के साथ कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी के साथ आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को जो है एक दिवस के तौर पर घोषित कर दिया है, ताकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोगों को याद रहे कि स्वतंत्रता के लिए कितने ज़्यादा लोगों की जो है बलिदान चढ़ाया गया है, कितने लोगों ने जो है कष्ट झेले हैं, कितने लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है, ताकि बाकी जो भारत में रह रहे हैं लोग उन्हें स्वतंत्रता नसीब हो, चाहे वो स्वतंत्र हवा में सांस ले सके। ऐसे में अब 15 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त का दिन भी अब अहम माना जाएगा, और हर साल इसे जो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर याद किया जाएगा। तो इस दिन पे जिन लोगों ने भी बलिदान दिया था उन्हें भी याद किया जाएगा, और साथ ही एकता का संदेश पहुँचाया जाएगा। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।